तो ये है पूरा ब्रह्मपुर मंदिर का गेट, और अभी चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। और आई थिंक बलिया में आपने नहीं देखा होगा इस तरीके का कोई सेटअप। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग चलने वाले हैं शूट पे। तो कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और मीटअप वाली वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही मज़ा आया सबसे मिलके। और जो लोग छूट गए यार, प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं मीटअप करने वाला हूँ जल्दी ही, तो उसमें आपको इन्वाइट कर सकूँ। तो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और लेट्स गो। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और धूप देखो भाई, तब तगड़ी वाली धूप हो रखी है। फिलहाल चलते हैं और भीड़ भी आ जाए यार काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो जनरली ऐसे रोड पे इतना भीड़ नहीं होता है। हम लोग लग रहा है लेट निकले हैं आज, पर क्या करें, जाना तो था ही और भीड़ बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। और भाई जाम से अब जाके निकले धीरे धीरे, बहुत जाम था यार आज, ज़बरदस्त वाला जाम। तो हाँ जी, अभी आ गए सोनू भैया के यहाँ और सोनू भैया को ढूंढते हैं। कहाँ गए सोनू भैया? नहीं है क्या? नहीं, अभी कहीं गए हैं। कहाँ गए? अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं कि अभी आ गए सोनू भैया और चलते हैं इनके फैक्ट्री पे, जहाँ पे आज थोड़ा शूट है। और इनकी पूरी ये देख लो, पूरी स्पोर्ट्स की दुकान है। और ये है सोनू भैया, चलते हैं। किधर साइड भैया, घर किधर है आपका? परिक्रमा मोड़। नहीं नहीं ये तो व्लॉग बना रहे हैं, अपने रोज व्लॉग बनाते हैं ना। तो आ गए अभी फिलहाल भैया एक कारखाने पे। अरे भैया तो ये है भैया का कारखाना जहाँ बनते हैं लोअर और टी शर्ट्स। और आई थिंक बलिया में आपने नहीं देखा होगा इस तरीके का कोई सेटअप, और अगर है तो बताइए, मैं वहाँ विज़िट करूँगा। बाकी आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि कैसे बलिया में भी एक बिजनेस और इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इनकम जनरेट किया जा सकता है। कारखाना मज़ा आ गया देख के आज तो। सोनू भैया से अगर आप मुलाकात करना चाहते हो तो NCC तिराहा के पास है और डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर रहेगा, तो आके विज़िट करिएगा। बहुत ही अच्छे रेट पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब स्पोर्ट्स के कपड़े मिल जाएंगे। तो फिलहाल निकल चुके हैं भैया के शॉप से, काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही अच्छा कारखाना था। वीडियो आपको पूरा देखना हो ना तो हमारे काम धंधे वाले बिजनेस पे चले जाइए, बिजनेस पेज है जिस चैनल का नाम है काम धंधे वाले, तो आप वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो आप देख सकते हो। तो फिलहाल निकलने वाले हम लोग, थोड़ा सा एक जाना है, प्लान है, तो अभी चलते हैं संदीप के यहाँ और संदीप के साथ निकलने वाले हैं कहीं। तो भाई संदीप आ गया और फिलहाल एक नया अपडेट, बाइक मैंने रख दिया और भाई की CT 100 उठा रहे हैं। CT 100 नहीं, 110 हो गई है, 110। तो और एक्चुअली इसका एवरेज भी बढ़िया है, तो दूर जाना है तो निकलते हैं अभी और शहर से बाहर आज निकल रहे हैं, तो आपको एक नया ही मज़ा मिलेगा। और भाई बैठते हैं फिलहाल। भाई तो आप पेट्रोल लेके निकलते हैं क्या? भाई राकेश भैया यहाँ ना? तो राकेश भैया यहाँ निकलते हैं, उस कोने पे है समोसे की दुकान, चलते हैं भैया फिलहाल खाते हैं समोसे गरम गरम, क्योंकि लगा है भूख और टाइम से ज़्यादा। और भाई समोसा खिला दो भाई, बड़े ज़ोर की भूख लगी थी तो गर्मा गर्म समोसा खा रहे हैं। और इसके बाद अभी बिहार में चलते हैं, बिहार में खाएंगे वो पनीर। भाई हम लोग याद है कहाँ, डुमराव में पनीर बड़ा ज़बरदस्त था। तो अभी समोसा ख़त्म करते हैं और राकेश भी आ रहे हैं। तो यहाँ आ गए हैं भैया, तो ये आ गए हैं अभी बाबा के मंदिर, भिरगू बाबा मंदिर। और यहाँ पे कावर वाले लोगों का तो जनसंख्या सावन में आप देख ही सकते हो,
कि पूरा भरा हुआ है मंदिर पे, बहुत कांवर यात्री लोग आते हैं और पूरा सावन ये मंदिर वाला एरिया बहुत ही भरा रहता है। और अभी आगे हम लोग बयासी पुल के पास और देख सकते हो चलते हैं ब्रह्मपुर मंदिर भोले बाबा का दर्शन करने। और धूप एकदम सर पे चढ़ा हुआ है, बहुत खतरनाक वाला, तो क्या बेहतरीन नज़ारा है। और बयासी पुल वैसे भी फेमस स्पॉट है, यहाँ छपरी लोग बहुत आते हैं। और अभी देखो गंगा जी भी बढ़ी हुई है थोड़ा बहुत, पिछली बार मैं आया था तो थोड़ा कम था पानी, लेकिन अभी पूरा गंगा जी थोड़ी भरी भरी दिख रही है, पानी आ रहा है धीरे धीरे। और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में इधर भी पूरा बाढ़ का पानी उधर इलाकों में चला जाएगा। काफी मस्त नजारा है भाई। संदीप कहे छलको तब भाई, अरे रेत है, रेत रेत नहीं है कि बालू बोला जाला भाई, वो भी सफेद वाला है और ऊपर से छलको छलक रहा है, देख रहे हो। भाई शुरू हो गया बारिश और रोक भाई, रोक 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 रे रोक भाई, भाई होने से देख कितना तगड़ा हुआ था भाई। ठीक है तो अब मुड़ी, हम लोग मुड़ गए तो भैया आगे निकल गए और हम लोग पीछे रह गए, और यहाँ से मुड़ना था इधर की तरफ। तो ये अभी आ गए भाई ब्रह्मपुर, ये गेट है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर, चुके हैं ब्रह्मपुर मंदिर के पास और चलते हैं आपको दिखाते हैं ब्रह्मपुर मंदिर आज। तो ये है पूरा ब्रह्मपुर मंदिर का गेट और अभी चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं, साथ ही साथ इधर एक पोखरा है उधर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे इधर का। तो अभी चलते हैं, फिलहाल दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सबसे आखिरी में हमारा नंबर आया है। तो ये है बाबा का मंदिर और ये है बाबा का लिंग ज्योतिर्लिंग यहाँ पे। तो अभी बहुत बेहतरीन दर्शन हुआ और दर्शन करके हम लोग निकल चले हैं नंदी महाराज जी का दर्शन करने। जय बाबा। तो ये है नंदी महाराज जी और इधर माता पार्वती जी का है स्थान। अभी आ गए तालाब के पास और तालाब देखो कितना बेहतरीन है। दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आओ, कुछ देर बैठो, बहुत मज़ा आने वाला है। और आज तो मौसम भी बहुत बेहतरीन हो रखा है, आ रहे थे रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप था लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हमने दर्शन किया बाबा का, बहुत ही मज़ा आया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और संदीप भाई बाइक लगाया है पास में ही, दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ, मज़ा आ गया इस बात के लिए। और वीडियो आपने यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी इस तरीके से मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो फिलहाल चलते हैं भाई, कहाँ बाइक लगाया है। तो ये आ गए हैं भाई बाइक के पास, चलते हैं रेडी स्टडी एंड गो। राजपुर
राजपूत दया शंकर सिंह जी के पिताजी का आज जो है 13 ही है, उसी में हम लोग शामिल होने चल रहे हैं सभी लोग।